हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल में। तो मैं आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए बिल्कुल नई रेसिपी लेकर। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने एक बहुत ही बड़ा कद्दू लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इससे क्या करने वाली हूँ, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। और वीडियो में आप पूरे बने रहना, वीडियो को पूरा एंड तक देखना आप, और इसके मत करना, नहीं तो आपको नहीं पता लगेगा कि मैंने क्या बनाया है। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा जो कि कद्दू है वो कई लोग खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो बच्चे तो बिल्कुल ही इसको इग्नोर करते हैं, तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बच्चे भी इसको चट कर कर खा जाएंगे और उनको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। इसमें ना तो आपको किस मिल्क पाउडर चाहिए, ना ही आपको इसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए, बल्कि जो आपके घर में मौजूद हो आप उससे इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो यहाँ पर ना मैं सब्जी बनाने वाली हूँ, ना ही मैं बनाने वाली हूँ हलवा, और ना ही मैं बनाने वाली हूँ लड्डू। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कद्दू के दो पार्ट कर लिए, क्योंकि ये कद्दू ज़्यादा ही बड़ा था, इसलिए मुझे जितना यूज़ करना था मैंने उसको उतना ही ले लिया है। तो आपको क्या करना है, तो फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है, ये जो इसका कद्दू का जो बीज का पार्ट है हमें इसको नहीं लेना है। तो हम क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से हम इसको साफ कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप वीडियो में पूरे बने रहना और वीडियो को स्किप मत करना, नहीं आपको पता लगेगा कि मैंने इसको कैसे बनाया है। ये बिल्कुल नई रेसिपी है, अभी तक शायद है कि आपने इसको बनाया ही होगा और खाया भी होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि मेरे वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप मेरे मज़ेदार रेसिपी और वीडियो को देख सके। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर के पार्ट को निकाल लिया, अब हमें क्या करना है, इसको पीसेस में कट कर लेना। तो यहाँ पे मैंने इसको लंबे साइज़ में अच्छे से काट लेना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको लंबे लंबे साइज़ में काट लिया है। अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा सा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। और अगर आपने भी कुछ ऐसी कद्दू की रेसिपी, यूनिक रेसिपी बनाई है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं भी आपकी रेसिपी को अपने चैनल पर बना सकूं। तो ये देखिए आपको क्या करना है, जो कद्दू का छिलका है यानी कि छिलका है उसका उतार लेना है। तो हमें इसका छिलका नहीं लेना है, हमें इसको छिलके सहित नहीं लेना है, हमें इसका छिलका उतार देना है। तो ये देखिए मैंने इसको क्या किया है, इसको अच्छे से फिर से वॉश कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से धोने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको आपको करना है बढ़िया तरीके से, हम कर लेंगे इसको कद्दूकस। तो हाँ फ्रेंड्स, हमें इसको कद्दूकस करना है। आपको पता ही होगा जो चीज़ ज़्यादा फ़ायदा करती है उसको कोई भी नहीं खाता है, यानी कि चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हो। तो इसको कई लोग खाना पसंद नहीं करते हैं, कद्दू को, कद्दू का नाम सुनते ही उनका खाने से मुंह बन जाता है। तो अगर आप इस तरह की रेसिपी बना कर खिलाएंगे सभी को तो बहुत ही पसंद आएगी। तो यहाँ पर सभी जो कद्दू के पीसेस हैं हम उनको अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले आपको ध्यान से पूरा वीडियो देखना है, फिर आप इसको रेसिपी को बना सकते हैं। तो ये देखिए सारा कद्दूकस हो चुका है कद्दू, तो बस इस तरह से आपको कद्दूकस कर लेना है। और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। तो आप स्किप ना करें वीडियो को, पूरा ज़रूर देखें। और यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका जो पानी है कद्दूकस का वो हमें इसको अच्छे से निकाल देना है। आप देखिए मैंने यहाँ पर सारा इसका पानी निकाल दिया, जो भी कद्दूकस होने पर इसमें निकला था ना, तो सारा पानी निकाल लिया। अब यहाँ पर लिया है मैंने एक पैन, और आपको यहाँ पर इसमें क्या करना है, फ्लेम को अभी लो रखना है, और हम इसमें डालेंगे एक चम्मच घी। तो आपको इसमें एक चम्मच घी डालने के बाद इसको अच्छे से मेल्ट होने देना है, और जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हमने जो कद्दूकस किया था कद्दू को, वो हम इसमें डाल देंगे। तो आपको पता होगा जो कद्दूकस है वो बहुत सारा पानी छोड़ेगा, तो इसलिए हमें इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देना है। तो ये देखिए बस इसको हमें क्या करना है, अच्छे से इसको पका लेना है जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। और यहाँ पर मैंने फ्लेम को अभी लो ही रखा है, तो आपको क्या करना है, इसको लो से मीडियम फ्लेम में अच्छे से कुक कर लेना है, ठीक है। तो आपको फ्लेम को हाई नहीं करना है, वरना जो ये रेसिपी हम बना रहे हैं वो ख़राब हो सकती है, तो आप इस बात का ध्यान ज़रूर दें। और आपको पता ही होगा कि कद्दू
ज़्यादातर लोग बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते हैं, तो अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो सभी खाना पसंद करेंगे। और यहाँ पर मैंने डाला है शुगर, तो आपको या तो बड़े दाने वाली लेना है या तो आपको लेना है शुगर पाउडर यानी कि चीनी का पाउडर। तो यहाँ पर मैंने उसको डाला है और बस उसको मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पर डाला है 1 कप दूध। अब इसको आपको कर लेना है अच्छे से मिक्स और हमें इसको इसमें पकने देना है। अब आप सोचेंगे कि ये दूध इसमें फट चुका है। नहीं, अगर ये फट भी जाता है तो इससे क्या होगा, इससे आपका जो टेस्ट है वो और भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने डाला है फूड कलर, वो भी ऑरेंज कलर का, और आपको अगर कोई सा भी और फूड कलर पसंद है तो आप इसमें डाल सकते हैं। अब आप ये सोचें कहीं मैं हलवा तो नहीं बना रही हूँ, नहीं, ये हलवा नहीं है। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और यहाँ पर मैंने मलाई डाली है 2 से 3 चम्मच, जिससे कि बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। और यहाँ पर मैंने डाला है काजू और चिरौंजी का पेस्ट, तो उसको आपको पहले फूलने के लिए रख देना है, फिर आपको उसका पेस्ट बनाकर इसमें डालना है। तो आपको देख रहे हैं कि इसका कलर चेंज हो चुका है। तो बस इसको डालने के बाद आपको, इन सभी चीज़ों को डालने के बाद आपको इसको अच्छे से पका लेना है, यानी कि इसको अच्छे से कुक कर लेना है, और फ्लेम को आपको लो से मीडियम फ्लेम में ही इसको अच्छे से पकाना है। एंड इसके बाद आपको इसमें डाल देना है कोकोनट पाउडर। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 1 से 1.5 कप कोकोनट पाउडर डाला है और मैंने उसको अच्छे से पका लिया है, और लास्ट मैंने उसमें डाला है घी। और बस उसके मिक्स करने के बाद आपको गैस को कर देना है बंद। जब ये कद्दू पैन छोड़ दे तब हमें उसको बंद कर देना है। तो यहाँ पर मैंने एक थाली ली है, तो मैंने उसमें लगा लिया है घी। और आप फिर जो हमने कद्दूकस किया हुआ कद्दू को जो पकाया है वो हम इसमें फैला देंगे। तो फ्रेंड्स, कमेंट में बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो ये देखिए, ये अच्छे से सेट हो चुकी है, और मैंने यहाँ पर इसमें कुछ काजू को लगा दिया है जिससे कि ये हमारी रेसिपी बहुत ही अच्छी दिखे। तो यहाँ पर मैंने इसको पहले रूम टेम्परेचर पर ठंडा किया, फिर मैंने उसके बाद उसको फ्रिज में रख दिया 5 मिनट के लिए, जिससे कि ये बहुत ही अच्छी तरीके से सेट हो जाए। तो ये देखिए, ये बहुत अच्छी तरीके से सेट हो चुकी है फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पर बनाई है कद्दू की बर्फ़ी, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना, और फिर आप मुझे बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो ये देखिए, कितनी बढ़िया तरीके से हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है, वो भी कद्दू की। और इसको जिसको भी आप देंगे खाने के लिए, वो खाने से मना नहीं करेगा, बड़े शौक से इसको जो भी खाएगा वो खाता ही रह जाएगा। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताना। तो आपको मेरी ये कद्दू की बर्फ़ी की रेसिपी कैसी लगी है ये भी कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अभी तक आपने बेल आइकन को नहीं दबाया है तो उसको भी ज़रूर प्रेस करना। चलिए मैं आपको तोड़कर भी बताती हूँ ये कितनी अच्छे तरीके से बनकर तैयार हुई है। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से बनकर तैयार हुई है। तो ये देखिए, चलिए मैं आपको तोड़कर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, आप अगर इसको बनाते हैं तो आप बाज़ार की रखी हुई जो मिठाई होती है ना, आप उसको भी भूल जाएंगे। और आप इस ताज़ी रेसिपी को बनाकर खाएंगे, यानी कि मिठाई को खाएंगे, तो आपका दिल खुश हो जाएगा। तो आप भी इस रेसिपी को बनाइए और इन्जॉय कीजिए, और सभी को बनाकर खिलाइए। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपको एक अगले वीडियो में, एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ, एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक कि आप इस रेसिपी को बनाइए और इन्जॉय कीजिए। टाटा, बाय बाय।